नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार मंडी के अंदर सरसों, चना, जौ और गेहूं की लगातार आवक हो रही है। लेकिन आज हम यहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं व्यापारी निरंजन लाल जी गुप्ता, जिनके तेल मिल भी है और साथ में मंडी के अंदर व्यापारी है और सरसों के भी व्यापारी है। फिलहाल हम उनसे जानना चाहेंगे कि सरसों को लेकर मंडी में कितनी आवक है और क्या भाव चल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय आज मंडी में सरसों की क्या आवक है और क्या भाव है? आज हमारी मंडी में सब दिनों से आवक कम है। अराइवल कम होने की वजह से दो दिन हो गया, कल इसकी वजह से कम है कि भाव थोड़ा घटा है। वैसे तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, वहाँ पर ज़्यादा माल जा रहा है। मंडी में भाव कम होने की वजह से बाजार यहाँ माल कम आवक हुई है। बाकी माल तो धीरे धीरे आते रहेंगे, मंडी में माल कम आते हैं, किसान लोग वहाँ से ज़्यादा माल जो है व्यापारियों को जो माल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, सीधा माल फिर को गवर्नमेंट जो चला रही है उसमें 5650 में जा रहा है। बाकी भाव यहाँ पर बहुत कम है, 5050 से 5100 रुपये भाव 42 तेल के माल के भाव है, जो किसान को भी कम लगता है, व्यापारी को भी कम लगता है कि भाव बहुत कम है, तो किसान यहाँ मंडी में क्यों लाए? क्योंकि गवर्नमेंट ही जब 5650 में ले रहा है तो मंडी में लाने का कोई औचित्य नहीं है। पर लेवाल का भी हालात बहुत बढ़िया नहीं है, सारी तेल मिले 80% 85% मिले बंद हो गई है, 10-15% मिले वो ही चलती है जिनके ब्रांड बिकते हैं, जिनके 10 रुपये 8 से 10 रुपये किलो तेल ऊँचा बिकता है तीनों में, उनका या लीटर में, पाउच में, इनमें सब जो छोटी पैकिंग में उनका तेल ऊँचा बिकता है, तो ही वो लोग सर्वाइव होते हैं। अन्यथा तो जिनका तेल लूज बिकता है वो टैंकर में 105-106 रुपये तेल पड़ता है, 5100 की सरसों का तेल बिकता है 100 रुपया, तो वो मिले ही नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए मंडी में बायर का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हम जानना चाहेंगे कि जो मिल है वो किस कारण से बंद होने की कगार पे है, क्या कारण ऐसे आ गए जो तेल मिलरों को तेल मिल जो है बंद करने पड़ गई है, क्या कारण मानते हैं? रियल में जो है ये सब कारण, सबसे बड़े कारण तो है कि भाई विदेशी तेलों पर कोई बढ़िया बात नहीं है, बहुत वहाँ नीचे भाव है, जो माल इंपोर्ट हो रहे हैं उनके भाव 85-82 से 85 रुपये किलो आके पड़ते हैं। और यहाँ हमारे अलवर और हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में वो 90-92 रुपये किलो आके पड़ जाते हैं, और हमारा तेल 100 रुपये है तो 7-8 रुपये के लेके डिफरेंस से भी तेल ऊंचा नहीं बिक पाता है। विदेशी तेलों पर अगर गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी नहीं लावे कि भाई कोई ड्यूटी लगावे कुछ करे, तो ये अभी तक संभव है नहीं। जब तक चुनाव है जो संभव नहीं होने के कारण बाजारों में एक दफ़े तो मायूसी छाई हुई है, वहाँ जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट कोई सोचेगी कि भाई किसान को थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाए, या व्यापारी भी बहुत ज़्यादा मर रहा है दब रहा है, ये भाव थोड़ा अच्छा हो जाए तो कोई ड्यूटी बढ़ा दे और कोई किसी तरह से तेल में उनके पास भी बड़ा स्टॉक हो जाएगा। गवर्नमेंट भी जो दे रही है खोल के ले रही है, क्योंकि हरियाणा में 10 लाख टन माल ले लिया है, राजस्थान में कंटिन्यू ट्रकर चल रहा है, अभी 1 लाख टन हुआ है, 1 लाख टन से ऊपर अभी रोज धीरे धीरे करके ऊपर माल जाएगा, ट्रकर होगा यहाँ 14-14.25 लाख टन का गवर्नमेंट का टारगेट है। हो सकता है वो 14 नहीं ले, थोड़ा कम भी बढ़ती हुई पर माल तो होगा, और पिछले का भी बैलेंस है तो गवर्नमेंट को भी अगर मानो वो लेकर के माल को बाजार में वापस बेचेगी तो उसको भी बहुत बड़ा घाटा लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी कि या तो ड्यूटी लगावें, हमारा माल कैसे बिके, इसका कैसे डिस्पोज हो गई, इस बात को सोच करके कुछ न कुछ गवर्नमेंट ले आए कानून, कुछ भी चीज़ लाए, चाहे वो उसमें तेल बेचे, PDS में तेल देवे, चाहे मिलें चलवाए, अपनी अपनी सरसों सीड दे के मिलों को चालू करवा दें,
उससे डिस्पोज हो गए, उनकी सरसों भी डिस्पोज नहीं होगी तो किसान की तो कैसे होगी। तो इसके लिए भाव हमें बढ़ाना पड़ेगा जुलाई अगस्त में, ऐसा एक हमारा मानना। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लगातार जो सरसों की आवक मंडी में हो रही है, लेकिन अभी भाव बढ़ने के भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में जो यहाँ के व्यापारी निरंजन जी है, उनका कहना यह है कि भाई लगातार मंडी के अंदर सरसों की आवक तो हो रही है, लेकिन भाव जो है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ तेल मिले जो है सरसों की वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो व्यापारी है यहाँ के वो ये चाहते हैं कि यहाँ का जो भाव है वो लगातार बढ़ना चाहिए। खुद ये तेल मिलर है, खुद इनसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार मंडी के अंदर सरसों की आवक तो है, लेकिन मंडी में अभी जैसा पता लग रहा है कि आगामी दिनों में सरसों के भाव बढ़ने को है, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कोई चांस नहीं है, देखो मई और जून तो अपन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चुनाव 4 जून तक तो कुछ इनका डिक्लियर होगा, उसके बाद 10-15 दिन इनको सेटल होने में लगेगा, फिर 1 दिन में हमारे लिए सोचने को थोड़ी बैठे हैं। नेता लोग तो ये अपने हिसाब से चलेंगे, बट चलेंगे तो पर थोड़े दिन बाद किसानों के बारे में या इनके पास जो बड़ा स्टाक हो जाएगा उनको, इनको भी पिछला 10-11 लाख टन बैलेंस है और इस साल भी 27-28 लाख टन का इनका टारगेट है, यानी कि टोटल 40 लाख टन के करीब करीब का जो है इनके पास माल हो जाएगा। तो देश में कितना उत्पादन हो रहा है? देश में देखो पिछले हमारे यहाँ जो मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड सीड का जो क्रॉप था, एक हमारा बहुत बड़ा सेमिनार होता है जिसमें मोपा कोइट और सारी संस्थाएं होती है एक साथ, उन लोगों ने लगी भाई इतना नहीं है क्रॉप तो का साइज कम बैठेगा, कोई 16 टन के था, कोई 110 के था, कोई 115 के था है, बट हो सकता है कम हो, 123 नहीं हो, थोड़ा कम उतारा कम आया है, क्योंकि सेमिनार हमारा पहले हो गया, सीड बाद तक आया, इसलिए थोड़ा सा ये भी फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास बड़ा प्रकर हो जाएगा तो उसको डिस्पोज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत घटे भाव में वो भी नहीं बेच सकती, कितने घटा के बाद बेचेगी, पिछले साल वो घटा के बाद बेचने लगी तो उनका माल उसमें बिक नहीं पाया, तो इम्पोर्ट के ऊपर कुछ न कुछ बैन लगाना पड़ेगा, हमारे देश की इसको आगे बिजाई करवाने के लिए भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। ये हमारे साथ में यहाँ व्यापारी जो है निरंजन लाल गुप्ता जी, उनको मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि सरसों के भाव जो है लगातार जो है उसको लेकर भी उन्होंने बताया, साथ में सरसों की आवक के बारे में बताया। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो मंडी के अंदर ये देखने को मिल रही है, जो मीलर है, जो तेल की जो मील चलाता है, और ऐसे में सरसों के कारण जो मील है वो लगातार बंद होने की कगार पे है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और आगामी दोबारा से हम सरसों के बारे में आगामी जो व्यापारी है उनसे हम दोबारा जानना चाहेंगे कि किस तरह सरसों के भाव आगामी दिनों में रहने वाले हैं। नितिन शर्मा, अलवर।